नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल चैनल नंबर तीन और एन सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इसके साथ आप हमसे जुड़े हैं एन सी ई आर विद्या क्लास नंबर थर्ड पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में जो हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम आपके लिए बच्चों बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं हमारा आज का टॉपिक है टॉय चॉय अब आप सोच रहे होंगे टॉय चॉय से हम क्या मतलब लें वैसे काफ़ी हद तक आपको नाम सुन के पता चल गया होगा कि इसमें हम काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं हम शेप्स के बारे में सीखेंगे टॉय यानी कि आप खिलौनों के माध्यम से किस तरह से बहुत ही आसानी से आप खेल खेल में चीज़ें सीख सकते हैं ये भी आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो चलिए आप सभी से उनका परिचय करवाते हैं आप हैं मिस निशा नेगी सिंह मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एंड वॉम वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स और बच्चों को खास नमस्कार जी और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि माम सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एन सी नई दिल्ली में और बुक ऑथर भी हैं और बच्चों आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी बात तो आप अपनी सभी इश्यूज या प्रॉब्लम्स या जहाँ पर आप अटक गए हैं कोई डाउट हो आपको तो आप हमसे जुड़ सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल जीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल हमारा ई मेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास थर्ड एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ क्वेरीज़ के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंट्रैक्शन का हिस्सा बने और अपनी सभी बातों के हल हमारे विशेषज्ञ से पाएँ तो चलिए हम आज के इस सत्र शुरू करते हैं और मैम के पास चलते हैं और जानते हैं कि मैम के पास क्या कुछ स्पेशल है क्या कुछ खास है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए तो मैम हम जैसे आपके पास देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास हमारे बच्चों के लिए तो क्या कुछ आज लेकर आए हैं आप हमारे बच्चों के लिए टॉय जॉय में मैम ओके okay. हम अपने बच्चों को ये बताएं कि टॉय जॉय इस चैप्टर का नाम रखा इसलिए कि हमारे आसपास जितनी भी ये आकृतियां हैं जो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं या ती थ्री आयामी आकृतियाँ हैं वो अपने आप में टॉय होती हैं आपने अपने आसपास जितनी भी वस्तुओं को देखा होगा उन वस्तुओं को जब हम उनको टॉय की तरह खेलना शुरू करते हैं तो हम उन उनके बारे में और ज़्यादा समझ अपनी विकसित करते हैं तो हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम हमने टॉय जॉय रखा ही इसलिए कि जब हम इन आकृतियों के साथ खेलेंगे तो इन आकृतियों के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और इनके गुणों को भी पहचानेंगे और इनके गुणों की मदद से हम और ज़्यादा समझ अपनी रख पाते हैं कि किस तरीके से बाद में हम देखते हैं कि हम जो डिज़ाइनिंग या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या हाउस बिल्डिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं और सभी बच्चों ने अपने जीवन में जो कन हम टावर्स बनाते हैं या घर बनाते हैं ये वाले खेल ज़रूर खेले हैं तो सारे बच्चे अपने आसपास रखे सारे सामान को जो भी उनको अच्छा लगता है जितने भी डब्बे उनके पास हैं या जितनी भी बोतलें उनके पास हैं अलग अलग तरह की सब इकट्ठा कर लीजिए आज हम अपने चैप्टर में उन सभी का इस्तेमाल करने वाले हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी इस तरीके का एक जार एक डब्बा है ठीक है अब इस डब्बे के सहारे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो अपने इस चैप्टर में हम समझेंगे आगे Uh, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ uh, की हमने बात करी है जहाँ हम इन त्रिआयामी जो ये आकृतियाँ हमारे आसपास होती है उसको समझेंगे और उनसे कुछ नई नई चीज़ें बनाएंगे और जब हम कुछ नई चीज़ें उनसे बनाएंगे तो उनके गुणों के बारे में और गहराई से सीखेंगे uh, हमारे ये जो चैप्टर है वो शुरू होता है एक बहुत अच्छी क्राफ्ट एक्टिविटी से जिसके लिए आप सभी जो आपने अपने पुराने डब्बे इकट्ठे किए हैं उन डब्बों में एक मार्कर के सहारे अच्छी सी आंखें बनाइए उसमें कुछ कान लगाइए और उनको आप पपेट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इस खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप देखेंगे कि कुछ बच्चे वहाँ एक एक आकृति के ऊपर किसी ने गोल लंबी सी जिसको हम सिलेंडर कहते हैं या किसी ने क्यूब की तरह या क्यूबॉइड की तरह डब्बे जिसे हम कहते हैं या कोन की तरह या जो हमारी बर्थडे कैप होती है उसकी तरह की आकृतियाँ ली हुई हैं और उससे उन्होंने अपने पपेट्स बनाए हैं तो ये जो आकृतियाँ हैं इनमें कुछ अपने खास गुण होते हैं जैसे ही आप देखेंगे कि वो जो सबसे कोने में दाइनी तरफ एक लड़की है जिसने एक चिड़िया का पपेट बनाया है कोन के मदद से तो उस आकृति की अपने कुछ गुण गुणता थी गुणवत्ता थी जिसको उसने चोंच से जोड़ा है और अगर आप उस शेप को देखेंगे वो कुछ इस तरह की शेप है इस तरह की शेप है हाँ जिसमें हमारी दो सिरे जो है एक पॉइंट पे मिल रहे हैं कोना जिसे हम कहते हैं ये दो साइड्स आके इस कोने पे मिल रही हैं तो इस गुण को एक चोंच से जोड़ा है तो आपने जो आसपास के अपनी वस्तुएं हैं उनको व्यवहारिक जीवन में वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उससे भी कनेक्ट किया है डब्बे को उन्होंने किसी और एनिमल से डिपिक्ट किया है सिलेंडर को उन्होंने किसी और एनिमल से डिपिक्ट किया तो आप धीरे धीरे उन शेप्स को डिफरेंट एनिमल्स के प्रस्पेक्टिव में क्रिएटिवली भी इस्तेमाल कर रहे हो आ, हम अगर आगे चलें तो इन्हीं आकृतियों को या जो डब्बे आपके पास हैं उन डब्बों को एक दूसरे के ऊपर अगर सैक करें या उनको एक दूसरे के ऊपर खड़ा करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कुछ आकृतियां बड़ी सहज तरीके से खड़ी हो जाती हैं और कुछ आकृतियां इतने सहज तरीके से खड़ी नहीं हो पाती इधर उधर हिल जाती हैं या आ, मजबूती से स्टैक uh, नहीं होंगी या एक परफेक्ट uh, बैलेंस नहीं बनाएंगी तो ये सारी चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी है अपने अलग अलग आकृतियों के साथ वो जो डब्बे आपने लिए हैं उनके ऊपर कौन सी और आकृति के डब्बे या वस्तुएं उन पर खड़ी होती हैं वो चीज़ आप अपने आसपास एक्सप्लोर करेंगे दूसरी बात जब हम uh, इन आकृतियों की बात करते हैं तो हर जगह हमें uh, सेम आकृति या एक सॉलिड जिसे हमें कहते हैं या ठोस आकार जो हम कहते हैं वो ठोस आकार नहीं दिखता कई बार कुछ डब्बे हमें ऐसे दिखेंगे जो इसकी तरह दिखते होंगे पर बिल्कुल इसकी तरह नहीं होंगे तो जब हम आपस में बैठ के इन सारी आकृतियों को जो हमारे हमने अभी आसपास से इकट्ठी करी हैं उनको जब हम आपस में डिस्कशन से एनालाइज करेंगे या उन उनकी प्रॉपर्टीज को इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे वो चर्चा करेंगे तो उसमें हम और बेहतर तरीके से इनके गुणों को पहचान पाएंगे कि क्या ये आकृति को हमें आ, सिलेंडर से जोड़ना चाहिए या कोन से जोड़ना चाहिए या क्यूबॉइड से जोड़ना चाहिए तो इसी बात को एक एक्टिविटी के थ्रू आपको रोकना चाहूंगी जैसे आपने बताया कि हम डिफरेंट शेप्स हैं जैसे तीन शेप्स तो अभी आपके हाथ में भी है हम चाहेंगे कि पहले आप बच्चों को ये बताएं कि ये जो है इसे क्यूबॉइड कहता कहा जाता है स्पेयर में आएगा या सर्कल में आएगा या ये ट्रायंगल में रेक्टेंगल में आएगा तो इस माध्यम से बच्चे जो हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को कैटेगराइज कर पाएंगे जी जी और अभी के लिए हमारे जो शुरुआती दौर में बच्चे इन सारी आकृतियों को पहले देख भी चुके हैं नाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ उनकी पहचान करना और उनको गुणों के हिसाब से इकट्ठा कर लेना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो जैसे मैम ने कहा लेकिन इनके नाम भी हैं और आप अपने जो कलोकियल भाषा में भी उनका नाम का इस्तेमाल करते होंगे जैसे आप आप उसको क्यूब या क्यूबॉयड नहीं भी कहते होंगे और तो आप उसको डिब्बा कहते होंगे लेकिन जब आप जैसे मैम इनके नाम की बात कर रहे हैं तो हम नाम की बात भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो इनकी तरह मिलती जुलती हैं तो मैम मैं स्क्रीन में कुछ चीज़ें रखूँगी आप मुझे बताएंगे कि इनसे मिलती जुलती कौन सी चीज़ें आपको लग रही हैं क्या आप मेरी स्क्रीन में देख सकती हैं जी इससे मिलती जुलती आपको कौन सी चीज़ें लग रही हैं मैम मुझे लगता है कि जो डायस है वो इससे मिलता जुलता है और इसके ठीक नीचे एक, एक और स्क्वायर में कुछ रखा हुआ है तो वो भी मिलता जुलता है ये वाला आप कह रहे हैं जो कि एक आइस क्यूब है बर्फ का आ, वो है अच्छा आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी क्या ये भी इसी से मिलता जुलता है नहीं मैम इन दोनों की शेप अलग अलग किस लिए दोनों ही अलग नज़र आ रहे हैं आपको ये क्यों लगा कि ये अलग है मैम क्योंकि एक अगर हम उसका साइज देखें जो अभी आपके हाथ में है हाँ. ये थोड़ा छोटा है और इसके चारों जो शेप और एजेस हैं हम कहें वो बराबर हैं चारों इसके हिस्से बराबर हैं लेकिन जो आपने नीचे वाला जो सा, वो रखा साइज रखा इसमें दो हिस्से बराबर हैं ऊपर नीचे और इसके साइड के जो हैं वो भी आ, बराबर है जो कम है थोड़ा तो इसलिए इनके जी, आप, लुक में डिफरेंस जी जी, है। जी जी आप ये कहना चाह रही हैं हाँ, कि इनकी जो सारी साइड्स हैं वो लगभग बराबर है राइट इसकी भी सारी साइड्स बराबर है इनकी भी सारी साइड्स बराबर हैं हुँ. मगर जो इनकी है उनकी ये दो साइड्स तो बराबर हैं लेकिन ऊपर वाली हुँ. जो साइड है वो इसके बराबर नहीं है ये दोनों आमने सामने में तो बराबर हैं लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं है हुँ. और ये जो पिक्चर है ये इस वाली के साथ ज़्यादा जा रही है हुँ. और आ, इसी तरीके से मैम इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम या ये जो कप हाँ, रखा है क्या ये इसी की तरह नहीं है नहीं क्यों नहीं है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इसकी तरह नहीं है क्योंकि इनकी भी ये दोनों साइड वो है और ये दोनों साइड बराबर सी ही लग रही है मैम बराबर है लेकिन जो आपने बीच में रखा है वो चोको मतलब रेक्टेंगल में है और जो आपने नीचे रखा है जो सिलेंड्रिकल शेप में है क्योंकि हम बड़े हैं तो हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते <laughs> हैं सही तो वो गोल है थोड़ा जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा और बच्चे भी इस बात को ध्यान से देख रहे होंगे कि इसमें और इनमें इस दो पिक्चर्स में क्या फर्क है कि इसकी जो हमारी एज है वो कर्व्ड है है ना ये वाला जो हमारे साइड्स है आप सारे एजिस देख रहे हैं वो सारे जैसे कि हम एक डस्टर लेते हैं हुँ. इसके आप देखें तो इसके एजेस जो हैं वो शार्प हैं और फेसेस भी फ्लैट हैं कहीं कोई गोलाई घुमाव नहीं है है ना, ना हम देख सकते हैं मैम और अगर आप किसी सिलेंडर को लें तो अब स्ट्रेट इसके जो एज है हुँ. वो नहीं है घुमाव है हुँ. यहां पे आप इसके एजेस अब देखेंगे और इसका जो फ्लैट नहीं है सरफेस ये कर्व्ड है तो ये इनके बीच में फर्क है और इसी तरह की बातें जो बच्चे हैं वो करेंगे आपस में जब आप इतनी सारी वस्तुओं को अपने सामने लेकर आएंगे तो इस तरह के सवाल कौन किसकी तरह दिखता है किसको हम क्या कह सकते हैं वो किस आ, किसी एक आकृति से कैसे भिन्न है इस तरह की चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है और वही इस आ, जो हमारा चैप्टर है उसका उद्देश्य है और उस चैप्टर में हमने बहुत सारी ऐसी गतिविधियां दी हैं जहां बच्चों को उन आकृतियों को अच्छे से समझने का मौका मिलता है इसी चीज़ को जब हम आगे बढ़ाते हैं नाम के साथ साथ जैसे हमने बताया इसको हम क्यूब कहते हैं और इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं जी हम दिखाना चाहेंगे इसे स्क्रीन पे। इसे जी, जी इसे हम क्यूब कहते हैं और इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं और जब हम इसको ट्रेस करते हैं चारों तरफ तो इसकी जो आकृति बनती है देखिए जब हम इसे ट्रेस करते हैं इसको ट्रेस करने के बाद जो आकृति बनती है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं हम्म hmm. और जब हम क्यूब को ट्रेस कर रहे हैं तो मैम आप मुझे बताइएगा कि कौन सी शेप बनेगी थोड़ा क्लियर नहीं आई है <laughs> मैम अगर हम इसको जैसे आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं ट्रेस कर रहे हैं तो ये जो आकृति आएगी निकल कर वो स्क्वायर की आएगी जी बिल्कुल सही और इस तरीके से हम समझते हैं अपनी त्रिआयामी आयामी वस्तुओं का दो आयामी होना अब जब आप देखते हैं इसमें एक हाइट का फैक्टर है एक और डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ के बाद एक हाइट भी है लेकिन जो टू डी शेप्स हैं इनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड है इसी तरीके से हमारे पास ये स्फ़ेयर है बॉल की तरह जो हमें दिख रहा है और हमारे पास कुछ डिस्क भी हैं, बैंगल्स भी होती हैं अब इसमें मेरा ये सवाल है क्या ये सभी गोल हम्म, अगर मैं एक बैंगल लेती हूं और एक ये डिस्क है मेरे पास और एक ये पूरी बॉल है ठोस तो क्या ये सभी गोल हैं या गोलाकार है इस प्रश्न का आप जवाब मुझे दीजिए अपने चैट बॉक्स में जी और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आ, हमारे इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा सा गेम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी आ, शेप्स की पिक्चर्स लगी हैं तो आप सभी बच्चे लूडो की मदद से डाइस की मदद से उस गेम को खेल सकते हैं उस गेम के नियम भी नीचे दिए हैं आप चाहें तो इस गेम के नियम भी अपने अनुसार बदल सकते हैं और एक एक गेम मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ कि आप अपना डाइस रोल करिए और एक अगर आपके पास डाइस में सिक्स आता है तो आपको ऐसी वस्तु को खोजना है जिसमें कोई एज नहीं होता हुँ. ठीक है और इसी तरीके से जैसे मैंने कोई एक नियम बनाया है आप भी चाहें तो अपने कुछ और नियम बना सकते हैं और इन्हीं आकृतियों को आप माचिस की तिल्ली और क्ले से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे ये एक क्यूबॉइड हमने लिया था उसी तरीके से आप चाहें तो माचिस की तिल्लियों के सहारे क्योंकि इसमें कितनी साइड्स हैं कितनी साइड्स हैं उस हिसाब से तिल्लियां लेकर उसको जॉइन कर करिए क्ले की मदद से और उसमें देखिए कि इसमें कितने हैं आप चाहें तो इस सॉलिड शेप में या इस थोस उस, उसमें अपने एजेस पे टेप भी लगा सकते हैं या कोई चमकीला रिबन भी लगा सकते हैं और आप और इसको लगा के देखिए कि इसमें कितने एजेस हैं अच्छा मैम शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एजेस क्या होता है मैम बार बार कह रही हैं कि इसमें कितने एजेस हैं जी तो मैं अपने बच्चों को ये बता सकती हूँ बताना चाहती हूँ कि जब हमारी दो सतह किसी भी वस्तु का जो ये ऊपर का सरफेस है इसको हम इसके फेस बोलते हैं या सतह तो ये जो सतह फ्लैट है बिल्कुल भी राउंड नहीं है उभरापन नहीं है फ्लैट सतह है इस फ्लैट सतह को जो लाइन इस तरह की लाइन दो सतहों को जोड़ती है उसको हम एज बोलते हैं क्या कहते हैं एच एज।, एज और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और बताइए कितने एजेस हैं आप सभी लोग इनकी इनके एजेस को काउंट करके चैट बॉक्स में आंसर करिए और ये भी पता लगाइए क्या क्यूबॉयड का या क्यूब का जो एजेस हैं वो बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं तो बच्चे ये एक्टिविटी ज़रूर करें और आप ये जरूर और इसके जवाब भी जरूर लिखें। तो आप ये जवाब हमें जरूर बताएं हमारे चैट बॉक्स पे जाकर आप अपने आंसर्स जो है ड्रॉप कर सकते हैं जी तो मैम इसी अब से अगला और... सवाल है मेरा जी कि ये एक कौन है उसमें तो हमने एजेस देखे अब इसमें एजेस कैसे पता चलेगा मैम इसमें तो कोई एज नहीं नजर आ रहे हैं हाँ तो इसमें जो है वो एज यहाँ है इसकी दो सतह एक यहाँ है और यहाँ है ये देखिए और इसमें कितने कोन है दो जो ये कॉर्नर में यहां पे मिल रहा है इसमें एकदम शार्प करेक्ट नहीं है लेकिन जो हम बर्थडे कैप देखते हैं उसमें एक शार्प करेक्ट कॉर्नर आता है इसमें एक एज है ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं लेकिन ये कर्व्ड है कर्व्ड है सरफेस इस वजह से थोड़ा आगे करके दिखाएंगे तो हमारे सभी बच्चों को ठीक है ये एज है तो आप बच्चे मुझे बताएंगे कि एक सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं ओके ठीक है आप चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं इसी तरीके से आप विभिन्न वस्तुओं को अपने जो आसपास रखी हैं जो कि हो सकता है कि परफेक्ट क्यूब परफेक्ट क्यूबॉइड या परफेक्ट सिलेंडर ना हो ज्यादातर वस्तुएं जो हमारे आसपास होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती हैं वो उनसे मिलती जुलती होती हैं तो आप उनमें क्या समानताएं हैं उनमें क्या विभिन्नताएं हैं उसको खोजने की कोशिश करिए और उसको पता लगाने की कोशिश करिए कि उसमें किस तरह का एज है क्या वो उसके फेसेस किस तरह के हैं कितने फेसेस हैं क्या वो सेम है, क्या सिलेंडर और कोन के फेसेस और एजेस सेम होते हैं आप पता लगाइए और जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं उनको पता लगाइए कि क्या उन वस्तुओं को आप एक सिलेंडर बोलना चाहेंगे या क्यूबॉयड बोलना चाहेंगे और अगर आपको वो लगता है कि वो सिलेंडर होगा तो क्यों अगर क्यूबॉयड होगा तो किस वजह से आप उसको क्यूबॉइड कह रहे हैं तो हमारे हम अपेक्षा हम करते हैं अपने सारे बच्चों से कि वो खोजी बच्चे बनेंगे बहुत सारी इन वस्तुओं को अपने आसपास जो देख रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे उसको देखेंगे और अपनी समझ के बाद उसको किसी अपनी कैटेगरी बना के आ, उसको मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन वस्तुओं को किस किस ग्रुप में डालना चाहेंगे और उसके पीछे हम क्या अपना तर्क दे रहे हैं तो यही हमारे चैप्टर में बहुत सारे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई है आ, मेरी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कुछ कटआउट्स नीचे रखे हुए हैं और थ्री डी ठोस आकृतियाँ हैं उन्हीं आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कई चीज़ों का यू नो you know, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई हैं जिसे हम कंस्ट्रक्शन गेम्स भी कहते हैं hmm. जहां आप बहुत अलग अलग तरह के हाउसेस बना सकते हो और आप ये समझ रख सकते हो कि ज़्यादा स्टेबल हाउस कौन सा होगा या आप ब्यूटिफिकेशन के सेंस में किसको आप आ, उसको डिज़ाइनिंग में और बहुत सारे फैक्टर्स को रखते हुए कि कौन कम जगह घेरेगा या कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा अगर एक फ्लोर रखना है तो कौन से हम object, आ, शेप्स को प्रेफर करेंगे अगर दो रखना है तो कौन से अगर चार उसको बिल्ड करना है तो कौन से होने चाहिए या अगर हम आज आजकल तो हमारे चालीस सौ तक की मंजिलें हैं तो उसमें कौन सी तरह के शेप्स को हम बेस बेसिकली यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में और भी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं तो जब हम इनको और इस तरीके के गेम खेलते हैं तो उसको और गहराई से समझ पाते हैं तो मैम मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगी कि आपके सामने भी कुछ इस तरह के ठोस आकृतियां हैं और आप भी अपनी पसंद की कोई भी कंस्ट्रक्शन करिए चाहे आप घर बनाना चाहें या कोई इससे अपनी तरह की कोई भी विजुअलाइजेशन से कोई शेप बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं तो मेरे पास ये जो कुछ शेप्स हैं जी तो और ये शेप खास है, हैं, हैं। आ, ये एन सी आर टी की मैथमेटिक्स किट का पार्ट है जी और इस इनमें ये खास बात है कि ये शेप्स में वेलक्रो लगा है और वेलक्रो का खास फीचर होता है कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है तो ये इसमें एक और नया एक्सप्लोरेशन uh, के लिए एक मदद भी देता है और बच्चों को ज़्यादा कंस्ट्रक्ट क्रिएटिवली uh, करने का मौका दे मुझे है। लगता है कि बच्चों को बहुत मजा भी आता होगा क्योंकि तो हर उम्र के बच्चों हाँ। को इस तरह के खेल खेलने में बहुत मजा आता है जिसमें वो साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं और नई नई चीजें क्रिएट कर पाते हैं तो बच्चों मैं आपको भी कहूँगी कि आपके घर में पड़े पुराने डब्बे और कई ऐसी वस्तुएं जिनको आप इकट्ठा कर सकते हैं और उनसे आप नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और तो उसमें आप, आप... मुझे लग... ये शेप मैंने बना दी है मुझे लगता है कि आप बताएं से कि क्या है बताए <laughs> ये एक बिल्डिंग भी हो सकती है एक टेबल भी हो सकता है अगर आप इसमें आगे कुछ और बाजू अगर जोड़ दें ही। तो एक ये मिनी रोबोट जैसा भी मुझे नज़र आ रहा है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मैम जो आपने बनाया इसी तरीके से बच्चे भी और बना सकते हैं पेपर uh, मैशी एक पुराना हमारा आर्ट है हुँ. जिसमें हम पेपर uh, को गीला करके उसको क्रश करके दोबारा कलरफुल उसमें डिज़ाइंस करके okay. हम उससे डिफरेंट इस तरह के शेप्स बना सकते हैं और उससे भी हुँ. किस तरीके से किस शेप को किसके ऊपर रख के स्टेबल करना है यहाँ आप देखेंगे तो ये क्लियर सारे सॉलिड्स uh, नहीं हैं इनमें अलग अलग फेसिस uh, हैं Uh, अगर आप बहुत डिटेल में उसको देखें तो यहाँ बच्चों ने उसको और किस तरीके से उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो स्टैक हो पाए अदरवाइज इस तरह की चीजें स्टैक नहीं हो पाती कि आप हल्के से राउंड तरह की जो शेप है उसको आप ट्रायंगल के मतलब नियर टू सर्कल जो शेप है उसके ऊपर ट्रायंगल को अगर right. आपको स्टैक करना है hmm. तो उसमें आपको थोड़ा uh, सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरीके की सतह देनी पड़ेंगी बिल्कुल जो राउंड होगा hmm. वो नहीं ले पाएगा तो ये चीज़ भी बच्चे अपने आप खुद करें और इस तरीके की शेप्स बनाएं और उनको स्टैक करने की कोशिश करें कि अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे नीचे मेरा सर्कल uh, आए hmm. और ट्राइंगल पूरे टॉप पे आए तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ या कौन सी ऐसी शेप्स हैं पहले हुँ. तो मैं यही देखूँ कि कौन सी शेप्स मुझे स्टेबल सतह देंगी जिसके ऊपर मैं कम से कम दो या तीन शेप्स को दो या तीन अलग अलग तरह की शेप्स को स्टैक कर सकूँ तो इस तरह के सवाल टीचर्स बच्चों को चैलेंज जिसे हम कहते हैं कि थोड़े हुँ. से चैलेंजिंग टास्क दे सकती हैं जी और आ, आप जो बात मैंने अभी आपको दो मिनट के समय हमारे जी जी, पार जी पार से बिल्कुल जी. मैं बस वाइंड अप ही कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया एजेस के बारे में और आपको हुँ. कहा भी है मैंने कि आप एजेस का पता लगाइए जो दो सतह को जोड़ रही हैं और जो कॉर्नर्स हैं जो दो साइड इकट्ठे मिलती हैं कॉर्नर हैं तो उसको पता लगाइए और वहाँ पे चाहे तो टेप चाहे तो क्ले किसी भी चीज़ से आप उसको हाईलाइट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए hmm. और जो कॉर्नर्स हैं उसमें चाहे तो आप कॉटन बॉल्स बना के पेस्ट कर सकते हो hmm. जो उसके फेसेस हैं उसमें आप एक एक स्टार लगा सकते हो hmm. और या उसको कलर कर सकते हो जो भी फेसेस हैं उनको hmm. हाईलाइट करने के लिए कि ये फेसेस हैं ये साइड्स हैं और इन्हीं शेप्स uh, को जब हम स्टैम्प करते हैं कलर लगा के hmm. तो हम उसका दो आयमी आकृतियाँ या okay. उसी की टू डी शेप्स में हम समझ अपनी आ, बना पाते हैं तो आज के लिए इतना ही बच्चों और आ, मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने उत्तर जरूर उस चैट बॉक्स में देंगे अगर आपको किसी आ, किसी भी उस चीज़ में आ, शंका है या आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में अपने सवाल अपने क्वेरीज उसमें प्लीज़ लिखिए जी बहुत बहुत धन्यवाद तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी निशा मैम थैंक यू सो वेरी मच कि आप स्टूडियो आए आपने इतने अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारे सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाया और अपने सभी देखने वालों से हम ये कहेंगे डियर लर्नर्स एंड व्यूवर्स इन केस यू हैव एनी क्वेरी अगर आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें ई ज़रूर करें डी टी एच डॉट क्लास थर्ड ऐट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर और आज के इस सेशन की डिटेल्स आप ज़रूर डालें अपना फीडबैक आप हम तक पहुँचाएँगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा और अब समय है कि हम इस सेशन को वाइंड अप करें और जाने से पहले हम मैं आपको बता दूँ कि हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि इंग्लिश के क्लास थर्ड स्टूडेंट्स के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है बादल और मोती आप इस चैप्टर को भी इंजॉय करें सेशन में भी हमारे साथ रहें अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति नमस्कार